हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम ईटी यू। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ड ऑफ द डे 20 अप्रैल 2020 का। चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या है। आज का वर्ड है क्वारंटीन। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है क्वारंटीन। ये वर्ड आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। क्वारंटीन, आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस आउटस्प्रेड जो हुआ है उससे रिलेशन में ये इन वर्ड्स को यूज किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। ये वर्ड जो है एक नाउन होता है और इसकी मीनिंग देख लेते हैं। आ स्टेट, पीरियड और प्लेस ऑफ आइसोलेशन इन विच पीपल और एनिमल दैट हैव अराइव्ड फ्रॉम एल्सवेयर और बीन एक्सपोज टू इन्फेक्शियस और कॉन्टेजियस डिजीज आर प्लेस्ड। इसका मतलब ये है कि ये एक स्टेट होती है, या आप इसको एक अवस्था कह सकते हो या फिर एक ड्यूरेशन बोल सकते हो आइसोलेशन की, जिसमें कि लोग या जानवर जो कहीं और से आए हुए हैं और उस जगह पर कोई इन्फेक्शियस डिजीज या कोई कॉन्टेजियस डिजीज फैली हुई थी, वो अगर उस जगह से लौटे हैं, उस जगह से आए हैं, तो उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। तो उस स्टेट को जो है क्वारंटीन बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कई लोग आज की डेट में, क्योंकि सेल्फ क्वारंटीन और सेल्फ आइसोलेशन काफी यूज होता है, तो कंफ्यूज कर जाते हैं उन टर्म्स में। क्वारंटीन हम तब यूज करते हैं जैसे मान लो कोई एक मिस्टर शर्मा है, वो मान लो कहीं दूसरी कंट्री से लौटे और उस कंट्री में कोरोना वायरस फैला हुआ था, तो वो जब वापस आएंगे तो उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा, ना कि आइसोलेशन में। आइसोलेशन वर्ड उनके लिए एप्लीकेबल है जो कि उससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसमें उन लोगों को भी रखा जाता है जो कि केवल शक के दायरे में, जो कि हो सकते इन्फेक्टेड बट श्योर नहीं है, तो उनको रखा जाता है ताकि उनका सिम्टम्स वगैरह देखे जाएं। ये मैंने आपको कोरोना वायरस के एस्पेक्ट में बताई चीज़। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल सेंटेंस भी देख लेते हैं। इट इज़ वेल एक्सपीरियंस दैट मैनी एनिमल्स डाई इन क्वारंटीन। इसका मतलब है कि क्वारंटीन में काफ़ी कई बार जानवरों की मृत्यु हो जाती। चलिए अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल सेंटेंस। कोरोना वायरस हैज़ लेड अ लॉट ऑफ पीपल लिविंग इन क्वारंटीन। कई लोगों को कोरोना वायरस की वजह से क्वारंटीन में रहना पड़ रहा है। तो ये सेंटेंस की मीनिंग हुई। चलिए अब हम इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं आइसोलेशन, सेपरेट, डिटेंशन, सेक्लूजन, और इसके एंटोनिम्स होते हैं क्लोज, टुगेदर और एसोसिएट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। क्वारंटीन ये आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड एंटोनिम, सिनोनिम या कुछ पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, और जनरली भी पता होना चाहिए क्योंकि इतना यूज़ होता है तो उसकी मीनिंग भी हमें अंडरस्टूड होनी चाहिए। तो आई होप आपको हमारी ये वर्ड ऑफ द डे सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करिए, और आपकी चैनल पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।